कठीमा में बाढ़ पीड़ितों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया। दरअसल बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि नहीं दी गई, जिससे बाढ़ पीड़ित भड़क गए। बता दें कि कठीमा में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश के साथ बाढ़ आई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग की टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का सर्वे किया, इसमें उन्होंने जानबूझकर पात्र व्यक्तियों को छोड़ दिया। 7 तारीख को जो आपदा आई थी, किसी का दीवार चढ़ गया, किसी के भूसे बिक गया, किसी के गेहूँ बिक गया, किसी के पास खाने के कोई राशन नहीं बचा, उन तक जो है ये बाढ़ अभी तक का कोई सुविधा नहीं मिल पाया। हमने अजीम साहब से भी मैंने फोन में बात की थी, अजीम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया था कि जितने भी लोग आपके बचे हुए उन सबको दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरी में आज 300 लोग 300-400 लोग पब्लिक हमारे ग्राम सभा के, हम ये नहीं कहते हैं कि आप तहसील, हम किसी को आरोप नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं तहसीलदार आए भाई, उनको दो, जहाँ जिनका नुकसान हुआ उनको दो। आप इसमें ना बीजेपी का कोई वहाँ नेता है, ना वहाँ का कांग्रेस का नेता है, वहाँ गांव के सज्जन आदमी बुजुर्ग आदमी को पकड़े और जिनका नुकसान हुआ वो दिया जाए। हमारी टीम बनी हुई थी, उन्होंने लगभग सारा सर्वे कर चुके हैं और सारे पत्र व्यक्तियों को हमारे द्वारा चेक का वितरण किया जा चुका है और सर्वे भी किया जा चुका है, जिसमें से कुछ लोगों को पात्र व्यक्तियों का भी चेक वितरण किया जाना अभी और बाकी है। तो लगभग हम सभी 100% लगभग हम जो पात्र व्यक्ति जो इस बाढ़ से प्रभावित हैं उनको चेक वितरण कर रहे हैं। इसकी हम एक्सेल शीट भी बना रहे हैं और सारा का सारा सबके सामने हम उसको दे भी देंगे, वेबसाइट में भी अपलोड कर देंगे, वो हम खुद ही देख लेंगे कि किन किन लोगों को ये वितरित हो चुका। सर कितने दिन तक चल चेक वितरण मेरे ख्याल से आज शाम या कल सुबह तक हम पूरा कर देंगे। सर दूसरा हो गया।